तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। एक बार मैं अभी ब्रीफ कर रही हूँ आइसोलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उसके बाद हम लोग प्रिजर्वेशन पढ़ेंगे। आप लोग सभी अच्छे से जानते हैं, अगर हम डेली लाइफ का एग्जांपल देके बताऊं तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, अगर आप सब्जी लेकर आते हैं घर पे तो सब्जी को लेके आने के लिए आपको पहले मार्केट जाना होगा। मार्केट से आप मार्केट जाते हैं तो पहले सब्जी को आप ऐसे ही उठाकर नहीं ले आते हैं, आप सब्जियों को छांटते हैं कौन सी सब्जी अच्छी है, कोई सब्जी खराब तो नहीं। आप टमाटर ले रहे तो टमाटर कहीं से खराब तो नहीं है, कुछ कीड़ा तो नहीं लगा हुआ है, कुछ फंगस तो नहीं दिख रहा है, कहीं से डैमेज तो नहीं है। आप पहले उसे छांटते हैं तब आप उसे लेकर आते हैं, ठीक है। फिर आप लाकर उसे पहले अच्छे से वॉश वॉश करते हैं, उसके बाद आप उसे क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। प्रिजर्व करने के लिए आप क्या करते हैं, फ्रिज में डाल के रखते हैं ताकि वो अच्छा रहे। सेम वही प्रोसीजर जो है, उसके बाद फ्रिज में डाल दिया आपने। फ्रिज में डालने के बाद आप क्या करते हैं, जब आपको बनाना हो कुछ सब्जी में डालना हो या टमाटर की चटनी बनानी हो तब आप उसे निकालते हैं और इसे यूज करते हैं। ये मैंने एक जनरल वेजिटेबल का एग्जाम्पल देके समझाया, उसी से ही मैं रिलेट कर रही हूँ किसे, आपका आइसोलेशन प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंडस्ट्रियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर बात ये है कि हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को हमारे जो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनका औद्योगिक रूप से इंडस्ट्रियल रूप से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, जैसे कि कुछ हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम इंडस्ट्रियल वे पे अच्छे से यूज कर सकते हैं। ब्रेड बनाने के लिए हम लोग ईस्ट यूज करते हैं, हम लोग दूध से दही बनाने के लिए जो डेयरी डेयरी इंडस्ट्री रहती है वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, लैक्टोबेसिलस यूज किया जाता है, और एंटीबायोटिक वाले इंडस्ट्रीज में आपका एम्पिसिलिन यूज किए जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें औद्योगिक रूप से बहुत सारी चीजों के निर्माण में, प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया जाता है, चाहे वो खाने की चीज के लिए हो, चाहे वो पीने की चीज के लिए हो, चाहे वो दवाई जैसी चीज हो, चाहे वो मेटाबोलाइट्स हो, बहुत सारी चीजें हैं जिनका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो दवाइयों के प्रोडक्शन के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। तो इन सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लाया कहाँ से जाता है, लाते हैं तो कहाँ से लाते हैं, फिर आप इन्हें ले लेकर जो आ जाते हैं तो उन्हें कैसे प्रिजर्व करके रखते हैं। प्रिजर्व करके रखना मैंने मतलब उन्हें सुरक्षित करके कैसे रखते हैं, ठीक है। फिर उन्हें मेंटेन कैसे करके रखते हैं, प्रिजर्व करके रख रहे हैं तो क्या उनके लिए कोई स्पेशल चीजें करनी होती हैं, फिर इन्हें यूज किया जाता है ना। तो वो चीज हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पढ़ रहे हैं, किसका, सूक्ष्म जीवों का, प्रिजर्व आइसोलेशन प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस, ठीक है, आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। तो हम लोग अभी आइसोलेशन जो है प्रोसेस ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने ये बताया था कि सबसे बड़ा सोर्स जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो होता है सॉइल, मिट्टी में सबसे अधिक मात्रा में माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स पाए जाते हैं। इसके बाद जो है रिवर मड में, नदी के जो मिट्टी रहती है उसमें, नदी की मिट्टी के अलावा जो है आप लोगों का देखा जाए तो तालाबों में, झीलों में भी बहुत अधिक संख्या में आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स पाए जाते हैं। इन्हें अलग करने के लिए हम लोग आइसोलेशन करने के लिए एक सीरियल डाइल्यूशन की प्रक्रिया है जो उसे करते हैं, ठीक है। सीरियल डाइल्यूशन की एक प्रक्रिया है जिसे मैंने बताया था, जो आप लोग यूजुअली कॉलेज में भी जब आप लोग प्रैक्टिकल करते थे तो सीरियल डाइल्यूशन कर चुके हैं, जिससे हम लोग आइसोलेशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है एक सेकेंड मेथड जो मैंने बताया था, एक इनरिचमेंट मेथड बताया था। एनरिचमेंट मेथड के अंतर्गत मैंने ये बताया था आपको, इसके लिए आपको जानना होगा कि आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस पर्टिकुलर चीज में ग्रो करता है, अच्छा किस पर्टिकुलर चीज में रहता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे रहते हैं जो बहुत ज्यादा ठंड में रहते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे रहते हैं जो अत्यधिक गर्म माहौल में भी, अत्यधिक गर्म टेम्परेचर में भी रह सकते हैं, हॉट टेम्परेचर में, जैसे कि थर्मोफिलस वाले होते हैं, और आपके कुछ जो होते हैं एसिडोफिलस बैक्टीरियाज होते हैं, वो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो एसिडिक नेचर में, अम्लीयता वाले क्षेत्र में रहते हैं ज्यादा। तो हमको ये जानना है वो हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है किस पर्टिकुलर लोकेशन में, किस अवस्था में वो रहता है, किस स्टेज में वो रहता है। हम उसे वो प्रोवाइड कराएंगे तो फिर वो क्या करेंगे, ग्रो करवा के हम उसे रख सकते हैं, आइसोलेट करवा सकते हैं। एक एनरिचमेंट मेथड हो गया,
दूसरा होता है एक अनयूजुअल इन्वायरमेंट होता है, अनयूजुअल इन्वायरमेंट से भी हम लोगों को निकालना चाहिए अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जैसे कि रेगिस्तान में उपस्थित है और समुद्र के बहुत गहराई में उपस्थित जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और इसके अलावा जो बहुत ऊंचाई में पाए जाने वाले पेट्रोलियम फील्ड में पाए जाने वाले ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और निकालना चाहिए ऐसा बोला जाता है, और साइंटिस्ट जो है लगातार इन्हें निकालने के प्रयास में है। वो इसलिए प्रयासरत है, उसका सबसे बड़ा रीजन जो है वो ये है क्योंकि ऐसे प्लेसेस में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी ना किसी रूप से ज्यादा फायदेमंद होंगे और नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने में, नए प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में हेल्प कर सकते हैं। इस वजह से हम लोगों को ऐसी सब जगह से भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करना चाहिए, ठीक है। अनयूजुअल इन्वायरमेंट से भी हम लोगों को अगर करना है, अगर तो उसके लिए सबसे पहले तो एक चीज जरूरी है, ये जो भी मेथड हो आइसोलेशन के, सभी मेथड आइसोलेशन के करने से पहले हम लोगों को स्क्रीनिंग करनी आवश्यक होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। स्क्रीनिंग अर्थात ये पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप आइसोलेट कर रहे हैं, पृथक कर रहे हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या सच में आपके काम का है, क्या सच में वो किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने में सक्षमता रखता है। ऐसा ना हो जाए कि वो कोई बीमारी लाता हो या कोई डेंजरस हो तो आपके लिए लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पहले स्क्रीनिंग करें। स्क्रीनिंग करना दैट मींस आप उसे पूरा कंप्लीटली स्कैन करें, उसके बारे में जाने दैट इट इज यूजफुल फॉर अस और नॉट, ठीक है। कोई प्रकार का कोई बीमारी तो नहीं करेगा, इसके लिए स्क्रीनिंग का मतलब होता है टेस्ट करना उसे, ताकि वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है कि नहीं। अगर हाँ सच में वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, दैट मींस कि वो हमारे लिए काम का है और अब हम उसे आइसोलेट कर सकते हैं। तो इसमें एक एग्जांपल देके बताया गया था कि अगर आपको ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट कर रहे हैं, सब अपने आप को म्यूट रखेंगे, अगर आप किसी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट कर रहे हैं जो कि आपका कैसा है एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन करता है, ठीक है, एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन करने में सक्षम है, तो आप क्या करेंगे, आप पहले तो आप उस थोड़े से हिस्से से जहां से आप माइक्रोऑर्गेनिज्म निकालने वाले हैं वहां से पूरा माइक्रोऑर्गेनिज्म निकाल लेंगे, बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म रहेगा, अलग अलग प्रकार के रहेंगे। अब आपने अगार का प्लेट बना लिया, पूरे आपके माइक्रोऑर्गेनिज्म को इसमें डाल दिया, ठीक है, आप उसको फिर इंक्यूबेटर में रख दिए। अब आप थोड़े दिन बाद आके देखेंगे, थोड़े मतलब 24 घंटे के बाद या 48 घंटे के बाद आके देखेंगे, तो आपको जो आपका प्लेट है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा कि जो 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या 3 माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके आसपास उन्होंने एक ऐसा दायरा बना लिया है, इतने एरिया में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कॉलोनी नहीं दिख रही है, बाकी सब जगह दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भर भर के दिख रहे हैं लेकिन इतने एरिया में नहीं दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो 3 माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये 3 प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनमें ऐसी सक्षमता पाई जाती है कि ये एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करने में सक्षम है, वो दूसरे बैक्टीरिया को अपने पास आने दिए ही नहीं, क्योंकि उन्होंने एक क्षेत्र ऐसा विकसित कर लिया, एक ऐसा जोन का डेवलपमेंट कर लिया जो कि एंटीबायोटिक वाला था, ठीक है। तो एंटीबायोटिक रहेगा तो जाहिर सी बात है वहां पर कोई बैक्टीरिया तो आ नहीं पाएगा, क्योंकि एंटीबायोटिक से डरते हैं बैक्टीरिया। तो इसका मतलब ये कि ये 3 बैक्टीरिया हमारे काम के थे, तो इस प्रकार से हमने स्क्रीनिंग की, स्क्रीनिंग करेंगे हमको पता चल गया, अब हम इसे आइसोलेट करेंगे, इसी बैक्टीरिया को हम आइसोलेट करेंगे हमारे सोर्स से। तो ये एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन वाला एक एग्जांपल देके मैंने बताया। इसके अलावा जो है और बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि एसिड प्रोडक्शन वाले के लिए आप अलग सा मीडिया बनाइए, एसिड प्रोडक्शन कर रहा है कि नहीं उसमें देख सकते हैं आप, लिक्विड मीडिया बना के आप देख सकते हैं, तो बहुत सारे तरीके हैं। एमाइलेज प्रोडक्शन वाले बैक्टीरिया भी देख सकते हैं आप, स्टार्च कंटेनिंग वाले बैक्टीरियाज को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चेक भी करने के लिए। देखिए सबके लिए अलग अलग तरीका है। ये एंटीबायोटिक के लिए हमने नैम मीडिया बनाया, हो सकता है एमाइलेज प्रोडक्शन चेक करने के लिए हम दूसरा मीडिया बना के उसमें चेक करें। तो अलग अलग चीज की स्क्रीनिंग, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्शन के हदा, अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से कि वो कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा उस हिसाब से उनकी स्क्रीनिंग करने का तरीका चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये मैंने बताया था आप लोगों को स्क्रीनिंग में। अभी क्लियर है सबको स्क्रीनिंग का प्रोसेस? सब लोग बताइए, अभी सबको क्लियर है स्क्रीनिंग का प्रोसेस? यस अमन, यस सौरभ, मैम, प्रीति, सब लोग बताओ, नीलम, किरण,
यस यस मैम। मैम। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिजर्वेशन। अब आप ये बताइए, प्रिजर्वेशन करेंगे, सब आंसर देंगे जिनसे मैं पूछूंगी। आप लोग घर पे अचार डालते ही होंगे, अचार को बहुत ज्यादा दिन तक के स्टोर करके रखने के लिए आप क्या करते हैं? सौरभ बताएगा इसका आंसर को मुझे। क्या करते हैं सौरभ हम लोग, अगर हम अचार डाल रहे हैं? अचार में तो हमारा बहुत सारा मसाला डाला हुआ है, खराब तो हो सकता है ना वो। तो फिर क्या होगा, मैम फिर उसको प्रिजर्व करने के लिए क्या डालेंगे हम उसमें? ऑयल, सौरभ बताएगा। सौरभ ऑयल ऑयल डालेंगे, और क्या डालेंगे? ऑयल ऑयल डालने से क्या होता है? तो फिर ऑयल क्यों डालते हैं, क्या होता है ऑयल डालने से? मैम, उसमें फंगस नहीं लगता। ठीक है, और क्या तरीका है? सुखाते हैं, हल्का धूप दिखाते हैं, धूप दिखाने से क्या होता है? उसमें जो नमी रहता है वो हट जाता है। सही बोले। देखो, नमी एक सबसे बड़ा रीजन होता है, मॉइस्चर का रिमूवल होना सबसे अहम चीज है। अगर आपके खाने की चीज में किसी भी में मॉइस्चर है, किसी प्रकार का अगर नमी है, तो वो बहुत जल्दी खराब होगा। इसलिए सब्जियों में भी मॉइस्चर रहता है, अगर आप उसे बिना फ्रिज के रखेंगे तो वो बहुत जल्दी खराब होते हैं। लेकिन पुराने जमाने में क्या करते थे, फिर जब फ्रिज नहीं रहते थे तो उस समय क्या होता था कि गीला कपड़ा करके सब्जियों को लपेट कर रखा जाता था, ताकि सब्जियां जो है ठंडी रहें और सब्जियां ज्यादा दिन तक अच्छे से चले। इसके अलावा और पुराने जमाने की बात की जाए, जहाँ ये एक और तरीका बता रही हूँ आप लोगों को, मिट्टी के घर रहते थे पहले के टाइम में। मिट्टी के घरों में जो है थोड़ा सा छोटा सा कॉर्नर ऐसा बनाया जाता था, कवर्ड जैसा, जहां पर लॉकर जैसा दिखाई देता था, वहां ठंडक रहती थी मिट्टी के घरों में, क्योंकि ज्यादा ठंडक रहती है। वहां पर भी चीजों को रखा जाता था, वहां पर सब चीजें ठंडी रहती थी। और ठीक है, खासकर जो है दूध दही मक्खन ऐसी चीजों को वहां रखा जाता था, क्योंकि पहले जमाने में भी तो चीजें यूज होती ही थी ना खाने की। तो ये मैं बता दिया मैंने आप लोगों को पिछले जमाने का, और मैंने खाने की चीजों का बताया। लेकिन अगर हम लोगों को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, मतलब सूक्ष्म जीवों को अगर प्रिजर्व करके रखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे ये हमको जानना है। तो उनके लिए प्रिजर्व करने का जो तरीका होता है, उनमें होता है, पहला तो है कि पॉइंट नंबर वन, पहले तो ये जरूरी है कि आइसोलेट कर लिए हमने, स्क्रीनिंग की, स्क्रीनिंग करने के बाद हमने आइसोलेट कर लिया, निकाल लिया अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। लेकिन उन्हें निकालने के बाद, पृथक करने के बाद, उन्हें सुरक्षित रखना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि अगर हम उन्हें प्रिजर्व करके नहीं रखेंगे तो वो पूरे के पूरे नष्ट हो जाएंगे, और फिर हम काम कैसे लेंगे उनसे। जैसे आप लोगों ने ईस्ट कल्चर की, आप लोगों ने ईस्ट का यहाँ पर जो प्रैक्टिकल किया था, जो आप लोगों ने आरएनए एक्सट्रैक्शन फ्रॉम ईस्ट सेल किया था, लास्ट जो आपने प्रैक्टिकल किया था सेकेंड सेमेस्टर का, तो उसमें आप लोगों ने ड्राई ईस्ट यूज किया था। ठीक है, वो जो ईस्ट है वो ड्राई फॉर्म में था जिसे आपने यूज किया था। अगर आप उसे सही तरीके से नहीं रखेंगे, कई लोग उसे फ्रिज में रखते हैं, फ्रिज में वो सुरक्षित रहता है, अगर आप फ्रिज में नहीं रखेंगे या फिर उसके उसे सूखी जगह पे ड्राई इन्वायरमेंट में नहीं रखेंगे तो वो खराब हो जाएगा। तो उन्हें मेंटेन करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और मेंटेनेंस के लिए उनकी उनके मेंटेनेंस के लिए आवश्यक है कि हम उन्हें सुरक्षित रखें, प्रिजर्व करके रखें। प्रिजर्वेशन के बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे जिस प्रकार फूड के प्रिजर्वेशन के बहुत मेथड होते हैं, खाने को प्रिजर्व करने के लिए, दूध को प्रिजर्व करके रखने के लिए, दूध खराब मत हो करके बॉईल कर देते हैं, उसे उबाल देते हैं, उबालने के बाद उसे फ्रिज में रखते हैं, मलाई सेपरेट कर लेते हैं, तो बहुत सारे तरीके। उसी प्रकार माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, जिनमें पहला जो तरीका है वो है स्टोरेज एट लो टेम्परेचर। इसे देखते हैं, फर्स्ट वाला, स्टोरेज एट लो टेम्परेचर। सभी चीजों को अच्छे से कॉपी में नोट करेंगे, ध्यान से लिखेंगे, ध्यान से समझेंगे, ताकि मैं जब पूछूं तो आप लोगों को पता होना चाहिए। स्टोरेज एट लो टेम्परेचर। स्टोरेज एट लो टेम्परेचर में क्या होता है उसे देखते हैं। तो आप सभी अच्छे से जानते हैं कि
जो भी चीज हो खाने की, उन्हें यूजुअली ठंडे जगह पे रखा जाता है प्रिजर्व करके। उसी प्रकार माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी लो टेम्परेचर में स्टोर करके रखा जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ज्यादा टेम्परेचर पे नष्ट हो जाते हैं, अधिक तापमान पे नष्ट हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसलिए इन्हें जरूरी है कि रूटीनली इन्हें स्टोर किया जाए 2 से 4 हफ्ते के लिए। इन्हें जो है कम टेम्परेचर पे इन्हें स्टोर करके रखना जरूरी है। लगभग कितना टेम्परेचर होना चाहिए? रेफ्रिजरेशन का 4 डिग्री रेफ्रिजरेशन, मतलब आपका जो रेफ्रिजरेट इसे करेंगे जब, जो आप डीप फ्रीजर या फिर रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हैं उसमें 4 डिग्री के लगभग टेम्परेचर होना चाहिए। लगभग इतने टेम्परेचर में आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आपको स्टोर करके रखना होता है, ठीक है। और आप किस में रखेंगे स्टोर करके? आप इन्हें रखेंगे या तो स्लांट बना के, अगार के स्लांट्स बनाकर आप इन्हें उसमें डाल दीजिए और स्टोर कर दीजिए, या फिर आप पेट्री प्लेट में आपका पोरिंग कर लेंगे मीडिया को और उसमें आपके बैक्टीरिया को डालकर, या आपके पेट्री प्लेट्स में, आपके पेट्री प्लेट्स जो है आपका उसमें मीडिया डालकर प्रिजर्व करके आपके बैक्टीरिया को आप स्टोर करके रखिए। तो ये एक तरीका है। तो स्लांट भी बना के कर सकते हैं या पेट्री प्लेट्स के भी प्लेट्स बनाकर आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये लेकिन तरीका कब काम आता है? जब आपको सिर्फ 2 से 4 हफ्तों के लिए करना है, मतलब लगभग 2 से 4 हफ्ते, मतलब 1 महीने हो ही गए लगभग, ठीक है। 1 month अराउंड, 2 से 4 हफ्ते मतलब वीक्स अगर इसके लिए करना है, तो आप लोग अगार का प्लेट बना लीजिए, अगार मीडिया, नैम मीडिया बना लीजिए, पेट्री प्लेट में रख लीजिए, या फिर उसका टेस्ट ट्यूब में डालकर, टेस्ट ट्यूब कैसे थोड़ा सा टेढ़ा करके हम स्लांट बनाते हैं ना, तो स्लांट कैसे बनता है हम लोगों का, ये आप लोगों का टेस्ट ट्यूब है, स्लांट आप लोगों का ऐसे बनता है, ठीक है। आपका नैम मीडिया ही है, बस ये टेढ़ा रहता है। इसमें आप अपने बैक्टीरिया को इनोकुलेट कर दीजिए, या फिर आप पेट्री प्लेट में अपने बैक्टीरिया को इनोकुलेट कर दीजिए, और आप उसे स्लो 1 महीने के लिए अराउंड 4 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे 1 महीने के लिए इस तरीके से रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको 1 महीने से ज्यादा, 2 से 4 हफ्ते से ज्यादा समय के लिए अगर आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रखना है अगर, तो उसे आप लोगों को क्या करना रहेगा? इससे कम टेम्परेचर में रखना होगा, मतलब आपको रखना रहेगा -20 डिग्री से लेकर के -70 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर पे आप लोगों को रखना होगा आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। और इनमें जो है क्रायो प्रिजर्वेटिव्स को डालना होता है। अब ये क्रायो प्रिजर्वेटिव जो वर्ड यूज हुआ है ये क्या है? ये क्रायो प्रिजर्वेटिव के रूप में हम किसी केमिकल को यूज कर सकते हैं। ये एक ऐसा क्रायो प्रिजर्वेंट या क्रायो प्रिजर्वेटिव वो कहलाते हैं जिन्हें अगर हम डालते हैं अगर अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो वो बहुत दिन तक हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सुरक्षित रखा रहता है। आप लोग जो खाने की चीजें लेकर आते हैं, जो ब्रिटानिया का अगर आप केक लेकर आ रहे हैं, या फिर आप सोन पापड़ी लेकर आ रहे हैं, खाने की सूखी चीजें, चिप्स खा रहे हैं, सब में किसी न किसी रूप में प्रिजर्वेटिव डाला हुआ है। तभी तो वो इतने दिन रहने के बाद भी खराब नहीं होता है, कुछ तो डाला होता होगा ना। तो हम यहाँ क्रायो प्रिजर्वेटिव यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए भी यूज करेंगे। यूजुअली क्रायो प्रिजर्वेटिव के रूप में ग्लिसरॉल को यूज किया जाता है। ठीक है, ग्लिसरॉल में आप अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाल दीजिए और आप -20 डिग्री सेल्सियस या -70 डिग्री सेल्सियस पे आप अपने बैक्टीरिया को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाल के आप रख दीजिए। अब आपका बैक्टीरिया जो है लंबे समय के लिए अच्छे से रह सकता है, लेकिन ये टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए। अगर आपका टेम्परेचर -70 डिग्री या फिर -20 डिग्री, 20 डिग्री से वो एकदम 1 डिग्री पे आ गया, तो फिर आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो नष्ट हो सकता है, खराब हो सकता है, या उनके गुणों में परिवर्तन हो सकता है। तो हमें ये टेम्परेचर मेंटेन करके रखना होता है। आप लोग जब आए थे तो डीप फ्रीजर ओपन करके देखते हैं, आप लोग के जो किट्स होते हैं प्रैक्टिकल्स के लिए, जो किट आए हैं उन किट्स में देखना, जो छोटे छोटे वायल्स रहते हैं उन सब में आपके इकोलाई डला हुआ है, किसी में आपके बैक्टीरियाज डले हुए हैं। इनको क्यों बोला जाता है इतने कम टेम्परेचर में रखने के लिए? क्योंकि उनमें प्रिजर्वेटिव के रूप में कुछ डाल के रखा गया है और उनमें लिखा रहता है किट में कि स्टोर एट -20, स्टोर एट -30, ऐसे लिखा होता है, क्योंकि इन्हीं टेम्परेचर पे उसे रखना है। अगर आप नहीं रखेंगे तो आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें वो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक स्टोरेज एट लो टेम्परेचर के अंदर हमने दो चीजें देखी,
कम समय के लिए रखना है तो अगार या अगार का स्लांट या पेट्री प्लेट में बनाकर आप 1 मंथ के लिए रख सकते हैं, 2 से 4 वीक के लिए 4 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे। लेकिन उससे अधिक समय के लिए रखना है तो -20 डिग्री सेल्सियस से लेकर -70 डिग्री सेल्सियस पे आपको रखना होगा किसी क्रायो प्रिजर्वेटिव को डालकर। यूजुअली क्रायो प्रिजर्वेटिव के रूप में आप लोग ग्लिसरॉल का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आपका हुआ एक आपका स्टोरेज एट लो टेम्परेचर। स्टोरेज एट लो टेम्परेचर के बाद अगर सेकेंड जो तरीका है आपके प्रिजर्वेशन करने का माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो है आप लोगों का स्टोरेज यूजिंग मॉइस्चर रिमूवल। अभी मैंने जब क्वेश्चन पूछा था तो सौरभ ने एक आंसर दिया था कि हम धूप में अचार को रखते हैं ताकि जो नमी है वो उसमें से निकल जाए, ठीक है। स्टोरेज यूजिंग मॉइस्चर रिमूवल इसी चीज को बताएगा जिसमें हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को हमारे जो मॉइस्चर है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर से मॉइस्चर को पूरा रिमूव कर देना है ताकि जो है मॉइस्चर रिमूव होने से उनकी लाइफ बढ़ जाती है। सूखा रहेगा तो अच्छे दिन तक, बहुत दिन तक के हम उसे स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन अगर वो उनमें नमी रहेगी तो वो जल्दी कंटामिनेशन उनमें आ जाता है, जल्दी वो खराब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है देखते हैं। स्पोरुलेटिंग सेल्स कैन बी इजिली स्टोर्ड वंस स्पोर्स कैन फॉर्म्ड आर फॉर्म्ड। हाउएवर द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ डेसिकेटिंग सेल्स इज लायोफिलाइजेशन विच इन्वॉल्व्स फर्स्ट लोवरिंग द टेम्परेचर टू फॉर्म आइस एंड देन सबलिमेटिंग दिस आइस टू वेपर एट लो प्रेशर। एक मेथड होता है उसे, इसका नाम है लायोफिलाइजेशन। ये जो लायोफिलाइजेशन मेथड है एग्जाम्स में यूजुअली पूछा जाता है। लायोफिलाइजेशन को देखने के लिए मैंने इसके बारे में थोड़ा सा लिखा भी था। देखो लायोफिलाइजेशन आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। लायोफिलाइजेशन इट इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स फॉर लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर अधिक लंबे समय तक के आपको अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व करके रखना है तो उसके लिए लायोफिलाइजेशन एक बहुत अच्छा तरीका होता है। इसमें हम लोग फंगस को, वायरस को, बैक्टीरिया को, एंजाइम्स को, टॉक्सिन्स को और अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी स्टोर करके रख सकते हैं। ये बहुत कन्वीनियंट मेथड माना जाता है अगर हम लोगों को अधिक मात्रा में बहुत सारे कल्चर को स्टोर करके रखना है तो। लायोफिलाइजेशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रीज ड्राइंग, ये फ्रीज ड्राइंग की प्रोसेस भी कहलाती है। इसमें पहले सबसे फ्रीजिंग, इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, जो आपका कल्चर रहता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है, उसे हम बहुत ठंडे इन्वायरमेंट पे लाते हैं सडन में और उसे फ्रीज कर देते हैं, पूरा जमा देते हैं उसे। पहले तो उसे हम बहुत कम टेम्परेचर कर करके क्या करते हैं, आइस बना देते हैं, पूरा फ्रीज कर देते हैं उसे, ठीक है। फ्रीज करने के बाद जो है हम इसे क्या करेंगे, कॉल्ड एज फ्रीज ड्राइंग इन्वॉल्व्स ऑफ कल्चर फॉलोड बाय ड्राइंग अंडर वैक्यूम। उसके बाद हम उसे क्या करेंगे, ड्राई करेंगे। 1 मिनट, एक थोड़ी सी कंफ्यूजन यहाँ पर मैं देख लेती हूँ। हाँ, पहले हम पूरा अच्छे से उसे आइस में तब्दील करेंगे टेम्परेचर को लो करके। उसके बाद जो है हम पूरे आइस को पूरा एब्जॉर्ब होने देंगे, वेपराइज होने देंगे, जिससे पूरा मॉइस्चर निकल जाए। आइस के साथ साथ जो उसके अंदर का भी जो मॉइस्चर है वो भी पूरा निकल जाए, इवापोरेट हो जाए। तो पूरा जो इवापोरेशन है वो होने की वजह से, कंप्लीट इवापोरेशन होने की वजह से क्या होगा कि आपका जो मॉइस्चर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जितना भी मॉइस्चर था वो निकल जा रहा है। इसके साथ साथ आइस भी इवापोरेट हो रहे हैं और साथ में वो क्या कर रहे हैं कि आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी नमी जो उपस्थित है वो भी पूरी इवापोरेट हो जा रही है। तो दोनों से मॉइस्चर जो है वो निकल जा रहा है, दोनों का मॉइस्चर निकल गया, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो टेम्पररी बेसिस पे आपका जो आपके बैक्टीरिया है उनमें जो उपापचय की क्रिया होती रहती है वो रुक जाती है टेम्पररी टाइम के लिए, मतलब थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि पूरा तो मॉइस्चर आपने निकाल लिया ना उसके अंदर से, तो कहाँ से मेटाबॉलिक क्रिया होगी, कहाँ से वो पाचन कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए जरूरी ये चीज है कि आपका जो लायोफिलाइजेशन की प्रोसेस जो हो रही है उसमें मॉइस्चर को रिमूवल हो रहा है,
मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए हम पूरा पहले आइस पूरा जमा रहे हैं, उसे पूरा फ्रीज कर रहे हैं। फ्रीज करने के बाद जो है हम उसे ड्राई कर रहे हैं, पूरा कंप्लीट ड्राई, जिसके बाद जो है उसका पूरा जो प्रोसेस जो है उसका अंदर का रुक जाएगा। और ये जो इसमें मेथड है, पहले क्या किया जा रहा है, इसके अलग अलग स्टेजेस दिए गए हैं। ये प्रोसेस थोड़ी सी लंबी प्रोसेस है जो आज की क्लास में पूरी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। इसकी पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को